वेलकम बैक संजीव कपूर किचन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है एक स्प्रिंग रोल टाइप बैग्स या कुछ भी शेप बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तैयारी फटाफट शुरू कर देते हैं। ये मेरे पास नॉन स्टिक पैन और उसमें थोड़ा सा तेल, यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मेरे पास हैं जैसे बीन्स हैं छोटी कटी हुई, गोभी है और आप चाहें तो थोड़े से ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं, और ये मेरे पास गार्लिक, अगर आप गार्लिक खाते हैं तो ये गार्लिक भुन जाए उसके बाद इसके अंदर डालें। ये बीन्स, ये लीजिए बीन्स इसके अंदर, और इसमें हम डालते हैं ये गोभी, कॉलीफ्लावर इसके अंदर, और थोड़े से कुछ मटर के दाने क्रश किए हुए, और इसमें हम डालते हैं नमक, पेपर, ये लीजिए, ये सब चीज़ों को हल्का सा सौते कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसे बनाने के लिए मेरे पास स्प्रिंग रोल रैपर हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं फ्रोज़न, तो वो आप ले लें। ये सब्ज़ियाँ हल्के से सौते कर दी, इसे बंद करते हैं हम, और फिर ये जो है इसके अंदर, और इसके साथ इसमें डाल देते हैं थोड़ा पनीर, ये लीजिए पनीर इसके अंदर, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई और अब ये बन गई हमारी स्टफिंग। चलिए थोड़ा सा ठंडा करें इसे और इस स्टफिंग को लेकर रखते हैं हम इसमें। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मैदा, और ये मैदा पानी में घुला हुआ रोल कर देते हैं। इधर लगाइए थोड़ा मैदा, ये इस तरह से मैदा अंदर लगाएं और दबा कर इस तरह से बंद कर दें। सब तरफ से सील हो जाना चाहिए लेकिन किनारे जो हैं वो थोड़े खुले हुए होने चाहिए। ये तैयार, और बाकी जितने हैं उसे भी इस तरह से कर लिया। आप चाहें तो इसको अलग शेप भी दे सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है, बस से रोल किया, लास्ट में मैदा पानी के अंदर घुला हुआ रोल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे लगा कर इधर इसे ऐसे फोल्ड भी कर देते हैं, ये इसी साइड यहाँ पर, देखिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिया और इसे पूरा फोल्ड कर दिया इस तरह से। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो थोड़े खुले वाले रहते हैं वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मर्ज़ी आपकी है कि आपको किस तरह से चाहिए। बस उसके बाद में इसे हमने फ्राई करना है, तो डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लें, और इसे आप चाहें तो थोड़ी देर पहले बना कर रख भी सकते हैं, और जब भी आपको ये चाहिए गर्मा गर्म फ्राई करें और इसका मज़ा लें अपनी पसंद की सॉस के साथ। इसे हम फ्राई कर लेते हैं बहुत जल्दी, गरम तेल के अंदर इसे फ्राई करना है। ये देखिए गर्मा गर्म, ये जो है इसको आप अलग अलग शेप में बना सकते हैं। कुछ लोग समोसे की शेप में बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, आप गोल भी करके इसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने गोल लिया हुआ है, आप इसको गोल करके बना सकते हैं, पसंद आपकी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आप इसको फ्राई करें तो बस इसे उसी समय सर्व करें, गर्मा गर्म एकदम क्रिस्प निकलता है ये, और चटनी या सॉस अपनी पसंद की, मेरी पसंद थाई चिली स्वीट वाली जो होती है वो वाली सॉस है ना, मज़ेदार।